जी खराब हो गया। तो जब मैं लाई थी इसे तो मैंने सोचा ये खराब हो जाएगा, बट कोई नहीं मैं रख लेती हूँ। देखा तो धीरे धीरे इसमें नए पत्ते आ गए। तो मुकुल की दफा हुआ था पहली दफा, रिया की दफा हुआ था पहले, फिर मुकुल की, फिर आरफ की, और फिर मेरा हुआ था पथरी का। मेरे पित्त की थैली में पथरी हो गई थी, पता नहीं, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ था। उस दौरान तो मेरे बहुत ज्यादा ही दर्द होता था, मतलब पित्त की थैली का दर्द इतना बुरा होता है ना गाइस, बहुत ज्यादा। और इन्हीं सबके चलते चलते ही मेरा वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, और आज मेरा वेट जो है वो 67 है, 67 केजी है मेरा वेट। और मैं इसे कम करने की कोशिश करती हूँ, तो मैंने कई बार कम करने की कोशिश की है, तो एक बार ही कम करने की कोशिश की थी। कोशिश से मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना, अगर मैं छोड़ देती हूँ तो सबसे बड़ी बात है, अगर मैं खाना छोड़ दिया तो मैंने मेरे माइग्रेन हो जाता है, जिसका आप देख सकते हो, ये धागा भी मैंने ये पहन रखा है माइग्रेन का, और मैं गोली भी खा लेती हूँ माइग्रेन की, तो माइग्रेन का दर्द जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। आप ये सोचोगे कि मतलब मैं इतना मेरा शादी से पहले कुछ एक बुखार तक भी नहीं हुआ था, बट शादी के बाद इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती हैं, टेंशन्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा कि बस पूछो मत। और मेरे को माइग्रेन भी हो गया था, माइग्रेन भी मेरे को शायद का नहीं गया था, तो माइग्रेन भी मुझे शादी के बाद ही हुआ था, क्योंकि माइग्रेन ऐसा है कि मेरे जो मायके में है वो मेरी दादी, मेरी बुआ, इन सबके माइग्रेन होता है, तो मेरे भी माइग्रेन होने ही लगे। इसीलिए कहते हैं माइग्रेन जो प्रॉब्लम होती है वो मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक भी होती है कभी कभी, कि जो मतलब घर में है तो वो भी हो सकती है, उन्हें ऐसा चलता रहता है, तो ऐसा ही है। और ऑपरेशन की रही बात, तो रिया की दफ़ा जो डिफिकल्टीज आई थी, किस वजह से ऑपरेशन हुआ था, तो वो मैं आगे के वीडियोस में शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखना वो वीडियो। और आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, व्लॉगिंग थोड़ी सी पसंद आ रही हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ऐसा ही व्लॉग देखने के लिए साथ में बेल आती है तो उसे हिट कर देना, ज़रूर हिट कर देना। तो मेरे को याद आ गया, कहाँ पर थी मैं, तो मैं थी कि माइग्रेन ऐसा होता है, तो माइग्रेन ऐसा होता है कि माइग्रेन में आप रुके नहीं रह सकते, सबसे बड़ी बात है। जहाँ आपको 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भूखा रहेगी, अगर आपको भूख लग रही है और आपने कुछ नहीं खाया है, तो गाइस डेफिनेटली आपके माइग्रेन शुरू हो जाएगा। तो ग्रीन टी पीती हूँ मैं, और ग्रीन टी के साथ मैंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ, तो बाई चांस क्या हुआ, एक्सरसाइज करने लगी। तो एक्सरसाइज करने में क्या है, ये हाथों वगैरह को तो एक्सरसाइज कर लो, लेकिन जब नीचे के पेट की टमी की करने को आती हूँ मैं, तो जिन थोड़ा किया मैंने एक्सरसाइज, तो उससे क्या हुआ, मेरे टांकों पे ना प्रेशर पड़ गया, तो प्रेशर पड़ा तो टांकों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि स्वेलिंग आ गई थी, और मुझे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, दवाई लेनी पड़ी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने क्या किया था, मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा वेट अपना कम कर रही थी, तो मैं वेट कम कर रही थी, और वेट कम करते समय एक्सरसाइज करते समय मेरा जो है वो पेशेंट पर थोड़ा दबाव बढ़ गया या जो भी है, तो उससे मेरे ना टाँकों में गाइस इतना दर्द हो गया था ना कि मेरे से ना पैर तक भी नहीं उठाया जा रहा था, बिल्कुल इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। फिर मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए गए, जब आपको याद होगा मैंने ग्रीन कलर का कुर्ती का वीडियो डाला था, उसके बाद ही मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो स्टिचेस पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था कि इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था, ऐसा कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। एक्सरसाइज से क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर टांके होते हैं तो हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ऐसे, तो वो चीज़ ना अप डाउन होती है, तो उससे वो खिंचता है, तो यहाँ से। और मैं कहना चाहूँगी जिसके भी सर्जरियन हो रहा है, वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बट अपने एक्सपीरियंस से जो मैं कह रही हूँ वो बात मैं आपको बता रही हूँ, कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसके भी टांके हैं वो पेट की एक्सरसाइज थोड़ा ध्यान से करें, बट ध्यान से करें, क्योंकि मैं
जिस दर से निकल चुकी हूँ वो मैं नहीं चाहती कि किसी और को भी हो इसीलिए, बट सब ठीक रहे। क्या पता सबको होता ना हो इसीलिए, लेकिन मैंने दो बारी करा है तो दोनों बारी ही मुझे हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं आप जैसे भी हो सकता है खाने पे, या खाना भी गाइज मैं सुबह भी एक आध रोटी खाती हूँ और शाम को भी एक आध रोटी खाती हूँ, एक या डेढ़ रोटी खाती हूँ, बट पता नहीं मुझे लगता है कैसे हो रहा है समझ नहीं आता। अचानक से हो जाता है पता नहीं क्यों, चलो लो भी है बट ठीक रहे सब। तो ये था, और अगर आपको सर्जेरियन के बारे में भी कुछ जानना है कि मेरे कैसे हुआ बस सर्जेरियन या जो भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखना, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे तो करूँगी क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी थोड़ी डिफिकल्टी आ गई थी उसमें, इसीलिए ऑपरेशन हुआ मेरा, वरना वैसे कोई भी चांस नहीं था मेरा ऑपरेशन होने का। तो वो क्या डिफिकल्टीज थी तो वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर जरूर करूँगी। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके कर बताना, और वैसे ही लाइफ चल रही है अब तो इसीलिए। तो इससे फ़र्क पड़ता है गाइस लिप्टन ग्रीन टी से तो बताना, क्योंकि फ़र्क तो पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, फ़र्क तो पड़ा है। मेरी बनी हुई है दाल, और फटाफट से मैं बना लूँगी रोटी और बना लूँगी अंडे की भुजिया। ये मैं खा रही हूँ दवाई, दवाई खाते समय क्या होता है थोड़ा सा चुटपुट चुटपुट खट्टा खट्टा वट्टा खा लेती हूँ ना, तो उससे उनको स्वेलिंग आ जाती है। आप देख रहे हो ये चीज़ जो है ना इस टाइम ये स्वेलिंग है, अभी इसको स्वेलिंग को करने में टाइम लगेगा क्योंकि जब तक मैं दवाई खाना नहीं छोड़ूंगी जब तक ये स्वेलिंग आएगी। और वाकई में ये स्वेलिंग है, इतना फेस मेरा है नहीं वैसे बट स्वेलिंग ही है ये, मेरे को जहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो आज आरव इतना ज़्यादा नहीं इंक्लूड हुआ है ब्लॉग में क्योंकि वो है नीचे खेल रहा है, वो कभी कभी नीचे उतरता है, वो उतरता नहीं है मतलब, तो बहुत मुश्किल से मैं उसे बोलूँगी जा भाई जा खेल ले, नहीं जाता वो बिल्कुल भी नहीं जाता। ज़बरदस्ती उसे कहूँगी तब जाके वो जाएगा। और आज मैंने मोटर नहीं चलाई थी सुबह तो पानी भी नहीं खाया, मेरी आँखें नहीं खुली, दवाई मैंने खाई थी तो फिर मेरी आँख नहीं खुली और फिर पानी का भी टाइम निकल गया। ये सुबह ना अलार्म लगा देना तुम, नहीं तो फिर पता चला मेरा पानी फिर रह गया, इसीलिए आज तो मैंने चलो कपड़े वगैरह कल ही धोए थे तो इसीलिए आज नहीं धोए, तो मेरे को पानी की जरूरत नहीं पड़ी इसीलिए आज तो चल गया, बट कल नहीं चलेगा अगर पानी नहीं भरा तो। तुमने मसाला भूरा है और आपको इंटरेस्ट आया मेरी बातों में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस मेकअप के वीडियोस अलग चीज़ है और एक ये जो लाइफ है ये आपसे शेयर करना ये अलग चीज़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करने में, व्लॉग डालने में। बहुत समय से लोग कहते हैं कि दी आप व्लॉग शेयर करो व्लॉग शेयर करो, तो मैं ही नहीं करती थी बट मैंने सोचा कि अब कर देती हूँ व्लॉग शेयर, तो इसीलिए तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं व्लॉग शेयर, अच्छी बात है। तो इसीलिए काफ़ी सारे लोग शायद जुड़ जाए। और गाइस मेरे बेटे का जो सपना है फर्स्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया है वो मेरे बेटे का सपना है, तो बहुत ही जल्दी पूरा करा दीजिए प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही जल्दी मेरे बेटे का सपना है और उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मतलब अभी से इतनी नॉलेज है उसे कि हमें जो वर्ड्स यूट्यूब के बारे में नहीं पता है वो उसको पता है कि क्या क्या एडिटिंग होती है, क्या होता है, कौन सा कॉपीराइट, ये वो सब कुछ बहुत सारा उसे पता है, इसीलिए कि कॉपीराइट म्यूजिक नहीं डालना या ऐसा कुछ जो भी होनी चाहिए वो इतनी नॉलेज है। लेकिन आरव बड़ा होगा तो मैं शायद उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डालते हुए मैं उसको यही कहूँगी कि वो भी यूट्यूब ही ज्वाइन करे, चाहे किसी भी लाइन में करे बट यूट्यूब ही ज्वाइन करे, और बाकी उसके ऊपर है कि वो क्या करना चाहेगा। बट वो अभी तो मेरे से कहता है पता नहीं कभी फौजी बन जाता है, कभी वो बन जाएगा डॉक्टर, कभी सिर्फ वो बन जाएगा सैनिक, कहेगा मम्मी मैं सैनिक बनूंगा। मैंने कहा भाई तू कुछ बन, मगर भाई जो सैनिक होते हैं उनकी मम्मियों का दिल कितना बड़ा होता है ना, मैं वाकई में कि वो कैसे अपने बेटे को भेज देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जब कारगिल की लड़ाई होती ना तो मैं इतना रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, कि बहुत ही रोती थी मैं, कि मुझे बहुत रोना आता था सब सोच के। चलो मेरा बेटा जो भी बने बट जो जो बनना चाहे वो बन सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है।
बट मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो यूट्यूब चैनल पर ही आ जाए। मैं क्या होता है एक्स्ट्रा मैंने ये बोतल में पानी भर के रखती हूँ कि नहीं हो तो काम आ जाए, तो अब वही वाला काम आ रहा है। तो अम्मी दाल जो है वो फटाफट से बन जाएगी और चढ़ा देंगे चावल।